हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, आईपीएल 2021 के मेगा ऑक्शन को लेकर काफ़ी सारी बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स हमारे सामने निकल कर आ रही हैं। कौन कौन सी बड़ी टीमें कौन कौन से बड़े प्लेयर्स को रिलीज़ करने वाली हैं, इसके रिगार्डिंग हमारे चैनल के ऊपर आप लोगों को हर रोज़ नई वीडियो, लगातार नई अपडेट्स देखने को मिल रही हैं। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में बताऊंगा कि आईपीएल 2021 के मेगा ऑक्शन से पहले ट्रेड विंडो किस तरीके से अप्लाई होने वाली है, ट्रेड विंडो का मतलब क्या होता है, किस तरीके से सारी फ्रेंचाइज ट्रेड विंडो में यहाँ पर हमें अप्रोच करते हुए नजर आने वाली है, कितनी तरह की ट्रेड विंडो हमें आईपीएल 2021 के मेगा ऑक्शन से पहले देखने को मिलेगी, और वो चार बड़ी टीमें जो कि ऑलरेडी ट्रेड की प्रक्रिया को स्टार्ट कर चुकी हैं, यही सब बातें मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब, और आप उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए जिससे हमारी वीडियोज के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग उस टीम का नाम जरूर लिखिए जिसके ऊपर आप लोग हमारी रिलीज प्लेयर्स की सीरीज की अगली वीडियो देखना चाहते हैं। जिस भी टीम के कमेंट सबसे ज्यादा होते हैं उस टीम के ऊपर आप लोगों को रिलीज प्लेयर्स की अगली वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ट्रेड विंडो का मतलब क्या होता है। दरअसल ट्रेड विंडो एक ऐसी विंडो होती है जिसके हिसाब से बीसीसीआई सारी फ्रेंचाइज और सारी टीमों को चांस देती है कि अगर उनकी टीम में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको वो अपनी टीम से बाहर करना चाहते हैं, और अगर कोई दूसरी फ्रेंचाइज है जो कि इन बाहर हुए प्लेयर्स को अपनी टीम में शामिल करना चाहती है, तो फिर उन दोनों ही टीमों के बीच में हमें ट्रेड देखने को मिलता है प्लेयर्स का। अब ये ट्रेड कितनी तरीके से होता है अगर हम इस बारे में बात कर लें, तो ये ट्रेड हमें तीन तरीके से देखने को मिल सकता है। सबसे पहला ट्रेड होता है प्लेयर टू प्लेयर ट्रेड, जिसमें कि एक टीम एक प्लेयर को देती है और दूसरी टीम उस प्लेयर को अपनी टीम में शामिल कर लेती है। दूसरे तरीके का ट्रेड होता है प्लेयर टू प्लेयर प्लस मनी का ट्रेड, यानी कि इसमें एक टीम अपने एक बड़े प्लेयर को देती है और वो प्लेयर काफी ज्यादा बड़ा होता है तो उसके बदले में दूसरी टीम को एक प्लेयर तो देना ही पड़ता है लेकिन उसके साथ उनको कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं। तीसरे तरीके का ट्रेड जो हमारे सामने होता है वो है प्लेयर टू मनी का ट्रेड, यानी कि एक टीम अपने प्लेयर को दूसरी टीम को देती है और दूसरी टीम उसके बदले उस टीम को कुछ अमाउंट देती है उसके हिसाब से। तो इन तीन तरीकों से हमें आईपीएल 2021 के पहले पहले ट्रेड विंडो देखने को मिलने वाली है। ट्रेड के ये सारे ऑप्शन बीसीसीआई ने सारी टीमों को दिए हैं। अब गाइज हम बात करते हैं कि ये ट्रेड विंडो आखिर हमें कब कब देखने को मिलने वाली है। तो ट्रेड विंडो यहां पर चार बार बीसीसीआई अप्लाई करती है। सबसे पहली बार जो हमें ट्रेड देखने को मिलने वाला है वो है ऑक्शन से पहले, यानी कि अभी हमें मेगा ऑक्शन देखने को मिलने वाला है और ऑक्शन के कुछ टाइम पहले बीसीसीआई ट्रेड विंडो को ओपन करेगी, जहां पर क्योंकि अभी सारे जो टीमें हैं उन्होंने रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट को जारी नहीं किया है, तो ऐसे में अगर कोई टीम है जो कि दूसरे प्लेयर को अपनी टीम में लेने में इंटरेस्टेड है तो वो अभी यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें राजस्थान रॉयल्स की टीम की, अगर उनको ग्लेन मैक्सवेल को केएक्सआईपी से ट्रेड करना है और क्योंकि केएक्सआईपी की टीम मैक्सवेल को बाहर करना चाहती है, तो आरआर की टीम ग्लेन मैक्सवेल को अपनी टीम में सीधे सीधे ट्रेड कर सकती है। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं ट्रेड विंडो का दूसरा जो सीजन आएगा वो हमें कब देखने को मिलेगा। तो दूसरी बार जब ट्रेड विंडो अप्लाई होगी ये तब होगी जबकि सारी टीमें अपने अपने प्लेयर्स को रिलीज कर चुकी होंगी, यानी कि रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट सामने आने के बाद जो जो रिटेन प्लेयर्स होंगे उनके बीच में हमें दोबारा ट्रेड देखने को मिलेगा। तीसरे तरीके का जो ट्रेड बीसीसीआई इस बार अप्लाई करने वाली है वो है ऑक्शन के बाद का, क्योंकि ऑक्शन जब होगा, मेगा ऑक्शन जब होगा, तो सारी टीमें अपनी अपनी 25 के स्क्वाड को कंप्लीट कर लेंगी। लेकिन अगर किसी टीम को लगता है कि उनसे किसी प्लेयर को लेके गलती हो गई है जिससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो 10 से लेके 15 दिन का टाइम बीसीसीआई सारी फ्रेंचाइज को देगी और उन 10 से लेके 15 दिन के बीच में उन टीमों को ट्रेड करना पड़ेगा। जो आखिरी तरीके का ट्रेड विंडो है, जो आखिरी तरीके की ट्रेड विंडो बीसीसीआई ओपन करेगी वो है मिड सीजन ट्रेड। ये आप लोगों को पता होगा कि इसका सिंपल सा रूल है कि मिड सीजन ट्रेड के लिए आईपीएल के आधे सीजन यानी कि 7 मैचेस तक यहां पर आपने पहले के 2 मैचेस या फिर उससे ज्यादा मैचेस नहीं खेले होने चाहिए। अगर आपने 2 से कम मैचेस खेले हैं तो फिर आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल हो अगर दूसरी टीम आप में इंटरेस्टेड है। तो अब गाइज हम बात कर लेते हैं कि ये सारी जो ट्रेड विंडो है, जो प्लेयर्स का ट्रेड और ट्रांसफर की बातें हैं, इसके लिए कौन कौन सी चार टीमों ने ऑलरेडी अपनी ट्रेड की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। तो इस लिस्ट में नाम निकल कर आता है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का, किंग्स इलेवन पंजाब, केकेआर और आरसीबी की टीम का। ये चार ऐसी टीमें हैं जिनके मैनेजमेंट ने ऑलरेडी ट्रेड विंडो की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया है। सीएसके की बात की जाए तो इनके मैनेजमेंट ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया है कि टी नटराजन और वरुण चक्रवर्ती को ये लोग ट्रेड विंडो के तहत अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। किंग्स इलेवन पंजाब की टीम इस बात को साफ कर चुकी है कि ग्लेन मैक्सवेल और शेल्डन क्वार्टर को ये लोग रिलीज करने वाले हैं, तो जो भी टीम इनको लेने में इंटरेस्टेड है उनके बीच में हमें ट्रेड देखने को मिलेगा। कोलकाता नाइट राइडर्स की बात की जाए तो ये टीम भी इस बात को साफ कर चुकी है कि इस बार इनकी टीम में टॉम बेंटन ट्रेड होने वाले हैं, हमने आपको बताया था, क्योंकि उनका कोई भी यूज समझ नहीं आ रहा है। और अगर हम बात करें आरसीबी की टीम की, तो एरन फिंच, उनके साथी डेल
स्टेन और जॉस फिलिपे हमें ट्रेड होते हुए नजर आने वाले हैं आईपीएल 2021 के मेगा ऑक्शन से पहले। तो ट्रेड विंडो के तहत यहाँ पर सारी टीमों को ट्रांसफर का चांस दिया जाएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए कि आपके हिसाब से कौन कौन से बड़े प्लेयर्स का आप लोग ट्रेड देखना चाहते हो अपनी फेवरेट फ्रेंचाइज में। ये वीडियो यहीं तक थी, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जरूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। कमेंट करके आप लोग उस टीम का नाम जरूर लिखिए जिसके ऊपर आप लोग हमारी रिलीज प्लेयर्स की सीरीज की अगली वीडियो देखना चाहते हैं। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।